हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी गोली लेके आए हैं जो कि आपको 6 लीवर की बीमारियों से बचाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है हमारा हेल्दी लीवर, ये फैटी लीवर है, ये है लीवर विथ सिरोसिस। जो हेल्दी लीवर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेल है वो हेल्दी है। फैटी लीवर में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फैट के जो ग्लोबुल्स है उसका एंट्रपमेंट हो गया है, देन सिरोसिस में ये जो लीवर है वो ख़राब हो गया है। तो ये जो लीवर ख़राब हो रहा है, ये जो 6 बीमारियाँ हैं लीवर की, इसे कौन सी मेडिसिन है जो ट्रीट करती है? तो सबसे पहले यहाँ पे है कि अगर आपका लीवर ख़राब हो रहा है तो उसे ट्रीट करती है मेडिसिन। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ है उसे भी ट्रीट करेगी। अगर आपको फैटी लीवर हो रहा है, यानी कि आपका जो फैट है वो इंक्रीज़ हो रहा है कि उसके कारण आपका जो पेट फूल जाता है, फैटी लीवर की बीमारी होती है, अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो लीवर है वो ख़राब हो जाएगा ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि आप अल्कोहल ज़्यादातर प्रमाण में ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपके लीवर में जस्ट अल्कोहल ही भरता जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है उसे भी हम आज जो मेडिसिन लाए हैं आपके लिए वो आपको ठीक करेगी। हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो हेपेटाइटिस क्या करता है कि आपका जो लीवर है उसे कम्प्लीटली डैमेज कर देगा। तो हेपेटाइटिस के भी कई सारे प्रकार हैं, यानी कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी। तो ये जो सारे हेपेटाइटिस के प्रॉब्लम्स है उसे भी ये मेडिसिन है वो ट्रीट करती है। या फिर आपको पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, तो ये जो सारे 6 टोटल प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी हेपामर्स। ये जो हेपामर्स टैबलेट है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि हेपामर्स जो है वो 6 बीमारियों से आपको बचाती है जो कि लीवर की आती है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी हिंदी में सीखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम 1 by 1 हेपामर्स टैबलेट के बारे में स्टडी करेंगे कि हेपामर्स का यूज़ क्या है। हेपामर्स एक ऐसी टैबलेट है जो कि आपको लीवर रिलेटेड 6 जो बीमारियां हो रही है, 6 बीमारियां हैं, उससे आपको बाहर निकालती है। तो सबसे पहले बेसिक से अगर हम जाने तो हेपामर्स जो टैबलेट है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। हेपामर्स एक हिपेटो प्रोटेक्टिव मेडिसिन के क्लास से बिलोंग करती है। हिपेटो प्रोटेक्टिव यानी कि हमारा जो लीवर है, हमें जो हिपेटाइटिस की बीमारी होती है, प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्ट करना, बचाना उसे, तो वो हिपेटो प्रोटेक्टिव क्लास से बिलोंग करती है। ये जो मेडिसिन है वो सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी में जो लीवर के फंक्शंस है उसे हेल्दी रखने के लिए। विच हेल्प टू ट्रीट हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीवर, कि जो भी हमारी बॉडी में लीवर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को हमें बाहर निकालने के लिए हेपामर्स टेबलेट बनाई गई है। अब हम यहाँ पे देखें तो उसे मैन्युफैक्चर कौन करता है। विन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है, जिसका हेड ऑफिस है दिल्ली में एंड ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अब यूजेस के बारे में देखें कि हेपामर्स का यूज़ क्या है। हेपामर्स का यूज़ ये है कि वो आपको लीवर डिजीज़ है उससे बाहर निकालती है। लीवर सिरोसिस है आपको, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जॉन्डिस है, या फिर लीवर की हेल्दीनेस रखने में आपको हेल्प करती है, और भी रिलेटेड कहीं प्रॉब्लम्स है लीवर के रिलेटेड जो कि आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी एंड या फिर आपका लीवर डैमेज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कम्प्लीटली जो लीवर है वो ब्लैक कलर का हो गया है। एक्चुअली लीवर का जो कलर है यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्पलिश ब्राउन कलर का है, तो इससे ये जो है उसमें फैट भी आ गया है, कोरोजन भी आ गया है, अल्कोहल भी है, तो ये जो सारी बीमारियाँ मिला के हमारे लीवर को क्या करती है, ख़राब कर देती है। तो अगर आपका लीवर ख़राब हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए हेपामर्स जो टेबलेट है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो ऐसे ही अच्छे लगते हैं
या फिर आपको कोई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, कोई डिजीज़ है आपको उसे आपको ठीक करवाना है, उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो प्रॉपर गाइडेंस है वो मिल सकता है और आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। नाउ लेबल स्टडी के बारे में देखें कि हिपामर्स की लेबल स्टडी क्या है। हिपामर्स एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। यहाँ पे कहीं भी आरएक्स नहीं लिखा हुआ है। हमने सीखा है कहीं सारे वीडियो में कि जब भी आरएक्स लिखा होता है कि आरएक्स का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, तो यहाँ पे हमें कहीं भी आरएक्स नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए ये एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। यहाँ पे उसका ब्रांड नेम है हिपामर्स, उसका जो सॉल्ट कंटेंट है ये भी हमें लिखा हुआ है एल एनीथिन एंड एल एस्पार्टेट, देन कंपनी का लोगो एंड कंपनी का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम देखें तो ये एक एंटरिक कोटेड टेबलेट है। एंटरिक कोटेड का जो वर्क है वो क्या होता है कि वो हमारे डायरेक्ट कॉलोन में जाती है। नाउ अब हम पैकेजिंग के बारे में देखें तो ये जो है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है। इन ईच पैक में 10 टेबलेट्स आती हैं। नाउ इसका वर्किंग देखते हैं कि ये मेडिसिन वर्क कैसे करेगी। ये मेडिसिन एल ऑर्निथिन एंड एल एस्पार्टेट हमारी बॉडी में 2 अमाइनो एसिड ऑर्निथिन एंड एस्पेरेक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज करके अपना काम करती है। ये 2 अमाइनो एसिड टॉक्सिक केमिकल अमोनिया को ब्लड से निकालने में हेल्प करती है। तो इससे क्या होगा कि जो टॉक्सिसिटी है वो रिमूव हो जाती है। और देखें तो इस तरह से ये टेबलेट लेने से आपकी बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिक जो मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है, लीवर की हेल्दीनेस इम्प्रूव होती है एंड लीवर के रिलेटेड जो भी डिजीज जो भी आपको प्रॉब्लम होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये टेबलेट लेने से आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है, लीवर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहती है। नाउ डोज के बारे में सीखे कि हिपामर्स टेबलेट का डोज कितना है और कब लेना है। इसका जो डोज है वो 1 से 2 टैबलेट 3 टाइम्स इन अ डे, यानी कि आप दिन में 3 बार ये जो टैबलेट है वो ले सकते हैं 3 टाइम। ट्रीटमेंट विल बी कंटिन्यू फॉर मिनिमम 3 to 4 वीक एंड मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, यानी कि ये इसकी जो ट्रीटमेंट है पामर्स की जो मेडिसिन है वो आपको 1 महीना या फिर 6 महीने तक लेनी पड़ती है, जिससे कि आपकी जो लीवर की हेल्दीनेस है वो इम्प्रूव होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक नया कोर्स है मेडिसिन रिव्यू PDF बुक। हम ये जो डिजीज सिखा रहे हैं, जो आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी एक मेडिसिन रिव्यू PDF बुक भी है, तो आप उस PDF फॉर्मेट की बुक भी अवेलेबल है, तो आप वो भी हमारे ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ प्राइस के बारे में देखें तो इसकी प्राइस क्या है। इसकी सितंबर 2023 की लेटेस्ट प्राइस है ₹243 ऑफ टोटल 10 टेबलेट, यानी कि 10 टेबलेट की प्राइस कितनी हुई ₹243 पर टेबलेट आपको, यानी कि सिंगल टेबलेट जो है वो आपको ₹24 में मिलेगी, यानी कि ₹24। अब साइड इफेक्ट के बारे में देखें कि हिपामर्स लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, फ्लैटुलेनेस, स्टमक पेन, पेन इन लिम्स, एलर्जिक रिएक्शन, तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स हैं उससे आपको हिपामर्स से हो सकती है। हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है बीमारियों और उनका उपचार के बारे में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में सीखना है, ऊपर आई बटन दिया हुआ है, तो आई बटन के थ्रू मेरी एक दूसरी चैनल है लर्न विद फायजा, उस चैनल में हम कवर करते हैं कि अगर आपको कोई डिजीज़ हुआ है तो उस डिजीज़ का कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड उससे रिलेटेड दवाइयाँ हम सजेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप वो सीख सकते हैं। या फिर अगर आपको इसकी कोई बुकलेट चाहिए तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वो बुकलेट भी अवेलेबल है, या फिर इसका एक कोर्स भी है बीमारियों और उनका उपचार के बारे में, तो आप हमारा जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। नाउ वार्निंग के बारे में देखें कि इसकी वार्निंग क्या है। अगर आपको कोई ऐसी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स आ रही है ये टेबलेट लेने से, तो आपको इमीडिएटली स्टॉप करनी है, या फिर आपको एल ऑर्निथिन एल एस्पार्टेट ये जो कंटेंट है
उसकी आपको मेडिकल हिस्ट्री में एलर्जिक रिएक्शन दिखा रही है या फिर आपको बार बार एलर्जी हो रही है ये ड्रग लेने से, तो उस टाइम भी आपको अवॉइड करनी है। या फिर आपको रिनल फेलियर है या फिर रिनल इम्पायरमेंट रहता है, रिनल जो प्रॉब्लम है, यूटीआई में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपको ये मेडिसिन अवॉइड करनी है। नाउ प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में देखें कि इसकी प्रेगनेंसी कैटेगरी जो है, यानी कि प्रेगनेंसी में अनसेफ है, प्रेगनेंसी में नहीं ली जाती है। अगर आपको रिवर रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है एक बार उससे कंसल्ट कर लग सकते हैं और उसके बाद हिपामर्स रिफर कर सकते हैं। तो चलिए आप सीखते हैं कि हिपामर्स की ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या है, ऐसे कौन से मेडिसिन है, ऐसे कौन से क्लासेस है जिसके ज़्यादा हिपामर्स जो है वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है। तो चलिए देखते हैं, ए कार्बोज, मल्टी विटामिंस एंड मल्टी मिनरल्स और हर्बल मेडिसिन। तो ये जो सारे क्लासेस की ड्रग है उस ड्रग के साथ हिपामर्स ड्रग ड्रग इंटरेक्शन देती है, तो आपको खास ख्याल रखना है कि इस कॉम्बिनेशन में हमें हिपामर्स नहीं लेनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू। एंड अगर आपको डिजीज एंड उसके ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है तो मेरे एक दूसरी चैनल भी है, लर्न विद फाइजा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।